हे गाइस, हमारा मैगी वाला गुड मॉर्निंग। सो मैगी से स्टार्ट करके ऐसा रेनी वेदर हो रहा है। रेनी वेदर में गर्मा गर्म मैगी तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा वेदर में ऑलमोस्ट हम लोग को, मतलब सबको ही ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार लेजीनेस लगता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे भी वही हो रहा था कल। तो मेरा ऐसा हो रहा है आजकल का डेली व्लॉग्स कल का आज ऐसे करके डालना, मतलब ऐसे टाइमिंग्स हो जा रहा है। थोड़ा टाइमिंग का इधर उधर इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो जा रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा बिज़ी हो जा रही हूँ। तो फिर आपका अभिषेक भैया तो काम कर रहे थे और मैं थोड़ा बेड वेड सेट कर ली। तो उसके बाद मैं सोच रही थी यार क्लिनिक जाऊँ या नहीं, क्योंकि आज हम लोग का यहाँ पे नीचे रामनवमी का रैली निकलेगा। तो उसके लिए ना पेशेंट्स एकदम, मतलब कम ही है आज, मतलब कोई पेशेंट था ही नहीं, एकदम बंद था, बंद बंद जैसे था। मेरे असिस्टेंट कॉल करके भी बोल रही थी बंद जैसे ही था, लेकिन मुझे कॉल आ गया मेरे असिस्टेंट का कि पेशेंट है। मतलब लग की थी कि उस दिन भी पेशेंट था, मतलब ऑलमोस्ट बंद टाइप का था पूरा मार्केट। तो जो भी है, मैं रेडी वेडी होके क्लिनिक भी गई एंड क्लिनिक जाके मैं पेशेंट वेशेंट देख ली। पेशेंट देख के फिर मैं वापस आके सब, मतलब लंच वंच हम लोग का हुआ जैसे। तो उस दिन तो आप देख रहे हो मेरा शक्ल देखो, एकदम मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, इतना मुझे लेजी लग रहा है। लेजीनेस के मतलब ऐसा वेदर होने से ऐसे ही होता है। ऊपर से कल मैं गई थी अपने मायके, वो जो भी पूजा वगैरह था रामनवमी का, तो एक गेट टुगेदर तो हुआ ही था। तो उसके मतलब होता है ना कि जिस दिन बहुत मस्ती कर लेते हैं, नेक्स्ट डे ऐसा लगता है यार कुछ खा ली, कुछ सब बोरिंग सा, तो वैसे हो रहा था। तो रेडी होकर तो मैं जा चुकी थी, उसका क्लिपिंग्स तो नहीं है क्योंकि मैं ड्रेस चेंज करके जल्दी जल्दी गई थी, पर पेशेंट आ गया था। तो मैं वही वापस आके वही ड्रेस फिर से समेट रही हूँ। ड्रेस समेट के एक बार मैं रखूँगी क्योंकि तभी का काम तभी। अब जो काम जैसे बहुत हड़बड़ी में रहता है तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही करना पड़ता है, तब तो कोई उपाय भी नहीं है। और तब तक हमें लग रहा है कि, मतलब हमें पता चल रहा है कि नीचे रैली भी स्टार्ट हो गया, तो हम लोग तो जल्दी जल्दी लंच करके रैली देखने चल गए छत पे। ये देखो आप लोग व्यू रैली का, वो लड़का देखो कितना सुंदर से ऐसे घुमाया झंडा। इतना भीड़, आप मतलब ऐसे होता है ना कि हर एक जगह का अलग अलग जगह से ऐसे आते हैं और सब इकट्ठा होके सब रैली में जाते हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता। मतलब एक एरिया का दूसरे एरिया के ऐसे करके आके फिर रामनवमी का ये रैली निकलता है। मतलब रामनवमी कल था तो नेक्स्ट डे रैली निकलता है। एंड एक साल तो, मतलब 2018 में तो बहुत बड़ा झमेला भी हुआ था मुस्लिम एंड हिंदूज़ का, बाप रे वो उस साल तो अलग ही था बहुत। तो फिर मैं सोची हूँ कि मेरा अपर लिप्स काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या करूँ। मैंने एक ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से कुछ, वो आप देखोगे, आप भी एक्चुअली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे मतलब ये अपर लिप्स के लिए पार्लर जाना पसंद नहीं है। बेकार बेकार पार्लर, मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो पार्लर जाओ, ये एक अपर लिप्स के लिए मुझे बहुत वो लगता है। तो और आईब्रो भी मैं बहुत कम बनाती हूँ, लाइक 2 मंथ्स में एक बार ऐसा टाइप का। तो मेरे पास एक स्प्रिंग टाइप का स्प्रिंग एप्लेटर है, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था किसी इन्फ्लुएंसर का देख के, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने शेयर किया था। तो ये बहुत अच्छा है, ऐसे करके ऊपर की तरफ घुमाओ आप एंड देन इसको ऐसे घुमा लो, मतलब उंगलियां बेंड करके ना अंदर की तरफ घुमा लो। ये देखो सब उठता है, बहुत अच्छे से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे जैसे थ्रेडिंग होता है ना वैसे ही प्लक हो जाता है इससे। मुझे तो रेज़र एंड ऑल ये सबसे बहुत डर लगता है। वो एक आता है ना मिनी, मैंने एक बार मिनीसो से लिया भी था ऐसे, वन फिंगर के जैसे ऐसे लंबा एक रेज़र टाइप का मैंने लिया भी था, लेकिन उससे ना मुझे लगता है कि थोड़ा हार्ड निकलता है। तो मैं मतलब अपर लिप्स ही करवा लेती हूँ थ्रेडिंग से, लेकिन अभी मैं मतलब वो एक सिटिंग के लिए जाओ पार्लर मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरे सासू मोम एंड मेरी ननद जाने वाली थी मामा घर, तो जाओ ना जाओ करते करते फाइनली वो लोग गए, क्योंकि इतना बड़ा रैली था ना तो जाना बहुत मुश्किल ही था। और क्योंकि मेरा फ़ोन में वीडियो बन रहा था तो मैं अपना पेशेंट वाला फ़ोन से आपके अभिषेक भैया को कॉल की एंड बोली कि मम्मी लोग निकल गए,
एंड पता नहीं तब तक तो पता भी नहीं था कि वो लोग को ट्रेन मिला है कि नहीं, क्योंकि इतना रैली का वो चल रहा था ना नीचे। और मेरे ननद को था कि मुझे आज ही जाना है। होता है, मुझे भी होता था, मतलब मामा घर ऐसा चीज़ है ना कि मतलब जाना है सोच लिया और फिर नहीं जाना हुआ ना तो बहुत अजीब लगता है। तो जो भी है, मैं तो बहुत थक गई थी क्योंकि सब थे, मतलब वो लोग को भेजना वैसे हड़बड़ी करके, एक बार इधर एक बार उधर वैसे हुआ। फिर मैं ये बर्तन वर्तन रख दी ये सब अपने जगह में, और ये डिनर का ही थोड़ा बहुत क्लिपिंग है और ले नहीं पाई, बहुत बिजी हो गई थी और थक भी गई थी। ओके बाय बाय।